नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष अपना सफ़रनामा 0016 चैनल के साथ आपका स्वागत करता हूं। और हमारी अधिकतर वीडियो जैसे कि आपने देखी होंगी वो ट्रैवल से संबंधित होती हैं और हम जगह जगह स्थानों पर जाते हैं और आपको बिल्कुल वहां पर भौगोलिक स्थितियों के साथ साथ हम आपको वहां का पूरा चित्र आपके सामने रखते हैं कि वहां पर कैसे हालात हैं, कैसे आपको यात्रा करनी चाहिए। और आज जो मैं आपके समक्ष आया हूँ उसका मेन तात्पर्य मेरा ये है कि श्री केदारनाथ यात्रा व श्री बद्रीनाथ यात्रा 2024 शुरू होने वाली है, जिसके की रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं और हेलीकॉप्टर बुकिंग की भी यात्रा खुल चुकी है। लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि हमें यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे करानी है और उनकी बुकिंग कहां कहां से कैसे होती है। और हमें बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर यदि जाना है तो हमें क्या क्या उपाय, क्या क्या सुझावों का पर अमल करना चाहिए और क्या क्या चीज़ हमें साथ ले जानी चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए आज मैं समक्ष आपके सामने आया हूँ अशोक शर्मा सफ़रनामा 0016 के साथ। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले हमें अपनी दिनांक निश्चित करनी है। यहाँ से दिल्ली से या जहाँ से भी जिस गंतव्य स्थल से हम जाना चाहते हैं वहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा जो हमें करनी है वो संपूर्ण यात्रा करने के लिए हमें कितने दिन चाहिएंगे। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, यदि आप दिल्ली से यात्रा करना चाहते हैं तो दिल्ली से जाने के लिए आपको एक करीब 6-7 घंटे तो आपको आराम से लगते हैं ऋषिकेश तक पहुँचने के लिए। मैं 8 भी मान लेता हूँ क्योंकि आदमी वहाँ पर रात को रुकेगा, फिर वहाँ पर पहला दिन आपका वहीं निकल जाता है। और दूसरे दिन आपको सुबह सुबह करीब 5:30-6 बजे आपको यात्रा शुरू कर देनी है, चाहे आप अपनी गाड़ी से करें या आप अपनी किसी बस के द्वारा करें या किसी बुकिंग के द्वारा करें या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा करें। दिल्ली से ऋषिकेश तक जाने के लिए तो बहुत उपाय हैं हमारे पास। सरकार ने योग नगरी स्टेशन है, बहुत बढ़िया स्टेशन है ऋषिकेश का, तो उसके लिए आनंद विहार से भी ट्रेन जाती है ऋषिकेश तक, या आप हरिद्वार तक किसी भी ट्रेन से जा सकते हैं और ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। क्योंकि अधिकतर जो बस हमारी जो बसें चलती हैं बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जो सरकारी बसें होती हैं वो ऋषिकेश से ही आती हैं, लेकिन हरिद्वार से भी बस चलती हैं जो कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स द्वारा या उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा भी बसें वहाँ से चलती हैं। उसके लिए आपको करीब जाने और आने का पूरा डेट आपको निश्चित करना पड़ेगा यदि आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए आपको गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए आपको पूरा आपको टूर का पैकिंग किस तरीके से करनी है, कैसे जाना है, पूरा हर एक डेट वाइज आपको निश्चित करना पड़ेगा। यदि आप केदारनाथ जाते हैं तो आपको पहले दिन ऋषिकेश से आप गुप्त काशी आसानी से पहुंच सकते हैं। गुप्त काशी आपको रात को वहां रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा, उसकी होटल की बुकिंग आप पहले कर लें तो अच्छा है, क्योंकि यात्रा के दिनों में अधिकतर होटल हमारे बुक रहते हैं। और आप विभिन्न होटलों की वेबसाइट्स पर जाकर या किसी और जानकारी के द्वारा आप वहाँ पर होटल बुकिंग कर सकते हैं। बजट होटल से लेकर लॉज से लेकर अच्छे होटल तक सारे उपलब्ध हैं वहाँ पर। खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, हर तरीके की चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि यात्रा का मतलब केवल यात्रा ही होती है। अब मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको, यहाँ से प्रोग्राम चालू करने से पहले, यात्रा शुरू करने से पहले आपको उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर आपको अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण आपके पास नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले आपको अपना अपने परिवार का जो आपके साथ ग्रुप में जा रहे हैं उन सबका आपको पंजीकरण अनिवार्य है।
उसके लिए आपको उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अपना पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं वहाँ पर लॉगिन कर कर, और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर OTP आएगा, बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ID वगैरह सब आपके मोबाइल पर, आपके मैसेज पर, आपकी ईमेल आईडी पर, जो आपकी ईमेल आईडी आपने उस पर डाली है या मोबाइल नंबर डाला है उस पर आपकी आ जाएगा OTP के द्वारा, क्योंकि OTP से सत्यापित हो जाता है मोबाइल फ़ोन के द्वारा। अब आपने यात्रा आरंभ की थी, यदि आप केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग करना चाहते हैं तो मैं सबको बता देना चाहूँगा, हेलीकॉप्टर की बुकिंग केवल आप हेली यात्रा IRCTC के द्वारा ही बुक कर सकते हैं। यदि आपको कोई अन्य टूर ऑपरेटर कहता है मैं बुकिंग करा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा या मैं वहाँ से बुकिंग कर दूंगा, तो वो नहीं होगी। केवल मैं आपको बताना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा, IRCTC के द्वारा ही आपकी केदारनाथ यात्रा की बुकिंग हो सकती है। उसके लिए आपको हेली यात्रा IRCTC पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ID डालना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, और आपको वहाँ पर जाकर बुकिंग करनी पड़ेगी। जिस निश्चित तिथि पर आप यात्रा करना चाहते हैं उस निश्चित तिथि को आपने पहले से डिसाइड करना पड़ेगा और आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि 20 अप्रैल 2024 को बुकिंग खुल चुकी है, 20 अप्रैल 2024 को बुकिंग खुल चुकी है। जिन यात्रियों को बुकिंग करनी है वो तुरंत अपना उत्तराखंड टूरिज्म पर रजिस्ट्रेशन कराकर तुरंत अपनी IRCTC की वेबसाइट पर जाकर अपना हेलीकॉप्टर की सीट बुक कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर जो चलते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये अलग अलग एयरलाइंस के हैं, एविएशंस के द्वारा प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि IRCTC के अंडर चलते हैं, और उनके द्वारा टिकट IRCTC ही बुक करता है, कोई दूसरा टूर ऑपरेटर बुक नहीं कर सकता, ना ही कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर बुक कर सकता है। इसलिए मैं चेक कहूँगा, आपको सावधान करना चाहूँगा, आप अपने टिकट स्वयं बुक करें, या किसी यदि टूर एजेंट से आप बुक कराना चाहते हैं तो आपका जानकार या बिल्कुल बढ़िया टूर ऑपरेटर हो जो आपको कभी धोखा ना दे, क्योंकि ऐसा होता है कुछ लोग कहते हैं हमने टूर आपका हेलीकॉप्टर बुकिंग करा दी है लेकिन पता चला वहाँ पर बुकिंग है ही नहीं, फिर आप ढूंढते डोलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 10 मई 2024 से 20 जून की यात्रा हेलीकॉप्टर की खुल चुकी है, वह 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2024 की बुकिंग खुल चुकी है हेलीकॉप्टर के लिए। लेकिन जो मैं बताना चाहूँगा इसमें 21 जून से लेकर 14 सितंबर के बीच की बुकिंग अभी नहीं खुली है, उसके लिए आपको समय पर सूचित IRCTC के द्वारा किया जाएगा। और इस समय जो बुकिंग खुली हुई है वो 10 मई से लेकर 20 जून के बीच की खुली है, और 15 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक की बुकिंग खुली हुई है। आप IRCTC की हेली यात्रा ओब्लिक IRCTC की वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं, और इसमें गुप्त काशी से केदारनाथ जी की यात्रा का जो टिकट है 8426 रुपये, 8426 रुपीस। यदि आप फाटा से यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी टिकट है 6974 रुपीस। और यदि आप सिरसी से यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि सिरसी केदारनाथ के थोड़ा समीप है, तो वहाँ से टिकट 6072 रुपीस है। और ये जो ये फेयर्स हैं ये राउंड फेयर्स हैं, यानी कि आपको गुप्तकाशी से केदारनाथ जी की यात्रा दर्शन करने के पश्चात दोबारा आप वापसी गुप्तकाशी आ सकते हैं, या फाटा से केदारनाथ जाएंगे केदारनाथ से वापसी फाटा आ सकते हैं, सिरसी से आप केदारनाथ जी जाएंगे वहां से वापसी सिरसी आ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहां से टिकट लेना चाहते हैं, कहां से जाना चाहते हैं। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूँगा
ये जो IRCTC के द्वारा जो बुकिंग चल रही है हेलीकॉप्टर की, ये आईआरसीटीसी ने पवन हंस एविएशन, आर्यन हेवी एविएशन और इस तरीके की और भी कई एविएशन कंपनियां हैं जो कि अपनी हेलीकॉप्टर्स अलग अलग जगह से उड़ाती हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ की और जानकारी देना चाहूँगा कि 80 किलो तक के जो वजन के पैसेंजर्स हैं ये किराया उनके लिए है। यदि आप इनसे वजन आपका ज़्यादा है तो पर किलोग्राम आपका 150 रुपये किराया अप्रोक्स बढ़ जाएगा और नियम और शर्तें लागू हैं। क्योंकि नियम और शर्तें क्यों लागू हैं, हो सकता है कि मौसम खराब हो, उस समय उड़ान ना भर पाए हेलीकॉप्टर, तो इसलिए आपको दिनांक, समय का स्लॉट आपको चूज करना है, देखना है कि मैं किस समय वहाँ गंतव्य स्थल पर पहुँच जाऊँगा और कितने बजे मैं ये हेलीकॉप्टर की बुकिंग लेकर केदारनाथ जी की यात्रा भी जा सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पर आपका कहना है कि आपको वहाँ पहुँचने के बाद करीब 5-6 घंटे का डिफरेंस बीच में रखिएगा, खड़ी चोट आप लाइन में लगकर तुरंत आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं कराना चाहते तो आप गौरीकुंड तक पहुंचकर वहां पार्किंग खड़ी कर दीजिए और फिर वहां से आप घोड़े पालकी ले सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। यदि आप पैदल भी यात्रा करना चाहेंगे तो आराम से पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पैदल यात्रा है लगभग 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर के बीच की पड़ेगी आपको गुप्तकाशी से, गौरीकुंड से लगभग 13 किलोमीटर की। लेकिन 2 किलोमीटर पहले जो है आपको वहां से जीप में बैठकर, बेलेरो में बैठकर आप गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं और वहां से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा की जो सड़क है वो सरकार द्वारा काफ़ी अच्छी बना दी गई है, रहने की व्यवस्थाएं भी केदारनाथ जी पर काफ़ी अच्छी हो गई हैं, और लेकिन आपको वहां ठहरने का बंदोबस्त पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहले करने से आपको दर्शन करने के बाद आप आराम से रात को वहाँ ठहर सकते हैं और सीधे वापसी आ सकते हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर से बुकिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 घंटे या अपना 2-3 घंटे दर्शन करके वापसी आ सकते हैं नीचे। लेकिन यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, घोड़े से यात्रा करने, तो आपको रात को रुकना पड़ेगा, वहाँ पर जरूर रुकना पड़ेगा, उसी दिन वापसी नहीं हो सकती आपकी। और ये भी बताना चाहूँगा, शाम को अधिकतर पहाड़ों पर बारिश होना स्वाभाविक है, आप घबराए ना, ओलावृष्टि भी हो सकती है, इसलिए छाता रेनकोट आपके साथ होना चाहिए, टॉर्च आपके साथ होनी चाहिए, एक स्टिक आप नीचे से ही ले लें डंडी, जिसके द्वारा आपको चलने में कठिनाई नहीं होगी, वो भी आपके साथ होनी चाहिए, कुछ खाने के लिए चॉकलेट्स ड्राई फ्रूट्स आपके साथ रहने चाहिए और आराम से यात्रा करिए, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे पड़ाव हैं, आप जहाँ बैठकर आराम से चाय पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है वहाँ जाने के लिए। इसके पश्चात ये तो हो गया हरिद्वार से केदारनाथ जी यात्रा का, यानी आपके 2 दिन निकल जाएंगे इस काम में, यदि आप पैदल यात्रा करेंगे तो 3 दिन में निकल सकते हैं। 4th दिन आपका केदारनाथ जी से बद्रीनाथ यात्रा का रहेगा, बस के द्वारा या टैक्सी के द्वारा। वहां पहुंचकर आपको बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड से मात्र 20 मिनट या 15 मिनट की पैदल दूरी पर आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। गर्म पानी का कुंड है वहाँ बद्रीनाथ में, आराम से वहाँ स्नान कीजिए, स्नान करके थकान उतारिए, थकान उतारने के बाद
आप बद्रीनाथ बद्री विशाल के दर्शन कीजिए, जय बद्री विशाल का नारे लगाइए और अपने दर्शन कीजिए। बहुत मनोहारी जगह है, केदारनाथ जी का धाम और बद्रीनाथ जी का धाम बहुत ही मनोहारी है। बस ये अंतर है कि केदारनाथ जी पहुंचने के लिए आपको पैदल यात्रा या घोड़ा या आपको पालकी लेना पड़ेगा, लेकिन बद्रीनाथ धाम के पास ही आपकी गाड़ी की व्यवस्था पहुंचने की वहां हो जाती है। और आप आराम से वहां रात को रुकिए, रात को रुकने के बाद दर्शन करने के बाद आराम से वहाँ बहुत सारे होटल्स हैं, खाने के रेस्तरा हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। आप उसके बाद माना विलेज भी जा सकते हैं जो कि उधर का लास्ट विलेज है माना विलेज, और बहुत सरस्वती नदी का उद्गम भी वहाँ पे दिखाया जाता है, भीमशिला भी है, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, कुदरत के नज़ारे हैं, क्योंकि जो कि खुद कुदरत ने अपने स्थान पर खुद ही गढ़े हैं। आराम से दर्शन करिए, यात्रा करिए, रात को रुकिए, उसके बाद आराम से वापसी। आप जोशी मठ आके ठहर सकते हैं, जोशी मठ से आप ऋषिकेश आ सकते हैं वापसी। ये सब करने में आपको करीब 6 दिन चाहिए, 5 दिन तो मिनिमम है। यदि आप भगम भग करेंगे तो 4 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4-5 दिन का हिसाब लेके चलिएगा, क्योंकि मौसम कभी भी बिगड़ जाता है, कभी भी अच्छा हो जाता है, तो आपको रुकना भी पड़ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आप जाइए, भगवान भोले के शंकर के दर्शन कीजिए, और 2024 में इस यात्रा का एक हिस्सा बनिए, रजिस्ट्रेशन कराइए सबसे पहले, और उसके बाद हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराइए। जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं कराना चाहते वो लोग, पैदल यात्रा कीजिए, आराम से ठहरिए, सारी व्यवस्थाएं वहाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको सावधानियां बरतनी है, समय समय पर कुछ ना कुछ लेते रहना है, खाते भी रहना है, क्योंकि ऑक्सीजन का कई बार लोगों को ऊपर जाकर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, लेकिन आप घबराइए नहीं, वहाँ काफ़ी अच्छा प्रबंध होता है, ऊपर चाय पानी खाना पीना काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, होटल काफ़ी अच्छे हैं हमारे वहाँ पर। तो आप यात्रा कीजिए, और IRCTC के थ्रू ही आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पर आप बद्रीनाथ श्री बद्री विशाल के दर्शन कीजिए, बस और टैक्सी से केवल वहीं तक पहुंच जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत बड़े बुजुर्गों को होती है केदारनाथ यात्रा के लिए, इसके लिए आप हेलीकॉप्टर या घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें सफरनामा 00016 के साथ, और हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी सूचनाएँ समय समय पर देते रहेंगे। और आपको मैं ये बता देना चाहूँगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया बीच में, कि 21 जून से लेकर 21 जून 2024 से लेकर 14 सितंबर 2024 तक की अभी हेली यात्रा के रजिस्ट्रेशन बुकिंग नहीं खुली है। आप रजिस्ट्रेशन जाकर उत्तराखंड टूरिज्म पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए करा सकते हैं, आपको ID जनरेट हो जाएगा, लेकिन जब हेलीकॉप्टर की आप बुकिंग कराएंगे तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, email ID डालनी है, पासवर्ड जनरेट करना है, उस पासवर्ड को आपको याद रखना है, और OTP उसी पे आएगा मोबाइल पे या ईमेल पे, और ऑनलाइन आप उसकी पेमेंट करकर टिकट प्राप्त कर सकते हैं, और यात्रा आपकी सुगम हो, बढ़िया हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। और आप हमारे साथ बने रहें सफरनामा 00016 के साथ, और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ, धन्यवाद।